नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुत लंबे समय के बाद, बल्कि एग्जैक्टली 5 साल बाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बड़ी भर्ती निकली है। लगभग 60,000 लोग वहाँ पर पुलिस में भर्ती होंगे। कांस्टेबल का पद है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी अभी भी बहुत प्राइज्ड होती है, मतलब बहुत चेरिश्ड चीज़ है। लोग दोगुने या तीन गुने वेतन की प्राइवेट नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी आज भी पकड़ना चाहते हैं। यही सच है हमारे समाज का, देश का। सही है या गलत है, इस पर विचार हो सकता है। तो ये जो 60,000 से ज़्यादा पदों का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट मेला उत्तर प्रदेश में होने वाला है, इस पर जाहिर है कि हर किसी की, हर युवा की नज़र होगी कि इसमें मैं अप्लाई करूंगा और सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। और इसमें आप देखेंगे फाइनली कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी, और इंजीनियर और डॉक्टर्स, डॉक्टर्स पर मुझे पता नहीं, लेकिन इंजीनियर्स बहुत बड़ी संख्या में भी इसमें अप्लाई करेंगे कि कांस्टेबल बन जाए यूपी पुलिस में। अभी इतनी बड़ी जब वैकेंसी है और 5 साल बाद मौका मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसमें आने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए। सरकार को निश्चित रूप से इस पर एक सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या पुलिस की नियुक्ति, पुलिस में होने वाली ये नियुक्ति एक ऐसा मौका नहीं होना चाहिए जब ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें अप्लाई कर सके। अब जो नियम बना है उसके हिसाब से 22 साल से ज्यादा उम्र के जो स्टूडेंट्स या यूथ हैं, या जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो उम्र की छूट है वो SC ST OBC कैटेगरी के लिए है। EWS EWS के लिए भी कोई छूट नहीं है। ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी निकल रही है, तो 5 साल बाद जो लोग उस समय काबिल नहीं थे यहाँ इस नौकरी के लिए, वो आज की तारीख में ओवर एज हो चुके हैं। तो एक बड़ी कैटेगरी, लाखों स्टूडेंट्स और यूथ ऐसा है जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल की अपने जीवन में कभी कोई परीक्षा दे ही नहीं पाएगा, सिर्फ इसलिए कि एज रिलैक्सेशन का एक बहुत सख्त नियम सरकार लागू कर रही है। और जब ये छूट SC ST OBC को दी ही जा रही है, तो इस छूट को EWS और जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैटेगरी में एक्सटेंड करने में समस्या क्या है? इससे सिर्फ यही होना है कि थोड़े से कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उन लाखों लोगों को मौका मिलेगा कि एटलीस्ट वो एस्पायर कर रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में नौकरी करनी है, तो वो नौकरी कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक तरह से अत्याचार होगा उन लाखों युवाओं पर जो सिर्फ इसलिए कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, उनको एज की छूट नहीं मिलेगी और जीवन में एक बार भी यूपी पुलिस के लिए, इस नौकरी के लिए, कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली नौकरी भी मान लीजिए क्या हुआ कर ले और 5 साल बाद आए, तब तो आप समझ लीजिए कि मतलब यूथ की एक बड़ी कैटेगरी इसमें बाहर हो जा रही है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि देखिए, न्याय अगर है तो वो सबके साथ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी और सारा कुछ है, लेकिन उसके अंदर भी तो न्याय होना चाहिए कि ठीक है, आपने इतने पोस्ट इतने पोस्ट इतने पोस्ट खास कैटेगरी के लिए डाले ताकि समाज के तमाम वर्गों के लोगों को हिस्सेदारी मिल सके राजकाज में, और सारे लोग राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी ले सकें, जो संविधान निर्माताओं की आम सहमति थी, जिस पर कि भारत में तमाम दलों पर आम सहमति है कि ये कैटेगरी वाइज एक मिनिमम पद जो है, इतने पद तो रिजर्व कर ही दिए जाने चाहिए, क्योंकि आबादी भी उनकी ज्यादा है, 85 या 90% आबादी है, तो उनके लिए आप लगभग 50% पद, बाद में अब एक EWS आ गया है, तो लगभग मतलब लगभग क्या, भारत की हर जाति और हर वर्ग इस समय रिजर्वेशन के दायरे में है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के अंदर आ चुका है। लेकिन एज की छूट अगर कुछ कैटेगरीज को दी जाएगी और कुछ कैटेगरीज को नहीं दी जाएगी, तो ये अन्याय होगा। संविधान का कोई प्रावधान ऐसा नहीं कहता है कि एज की छूट दी जाएगी और कुछ को नहीं दी जाएगी। ये समानता के सिद्धांत के भी खिलाफ है, आर्टिकल 14, 15 के भी खिलाफ है। ये किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई भी कैसे कर सकते हैं कि एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स और यूथ परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे, अपीयर ही नहीं पाएंगे, तो ये निहायत गलत होगा। और मेरे ख्याल से अगर
इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करना चाहिए कि इस तरह से आप इतनी बड़ी आबादी के इतने बड़े हिस्से को कैसे नौकरी के लिए अप्लाई करने से रोक रहे हैं। ठीक है, वो कैटेगरी में अगर ये ज्यादा हो गई, चुस्त नहीं है, छंट जाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, छंट जाएंगे, जो फिजिकल फिटनेस है उसमें अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आउट हो जाएंगे। लेकिन उनको उससे पहले ही आउट कर देना, आउट होने से पहले ही नियम बनाकर आउट कर देना, ये निश्चित रूप से संवैधानिक प्रावधानों का और भारतीय लोकतंत्र के किसी भी नॉर्म के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है, निश्चित रूप से अनजस्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। और सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि सवर्ण यूथ जो है वो भी यूथ है, देश का नागरिक है, वो अपनी जो जहां वो अप्लाई करना कर सकता है वहीं कर रहा है, वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहा है सवर्ण कोटा में, या फिर वन रिजर्व में अप्लाई कर रहा है, उसको आप सिर्फ इसलिए रोक देंगे या अनरिजर्व कैटेगरी में, तो ओबीसी के भी जो क्रिमिनल है ना वो भी अनरिजर्व में अप्लाई जाएंगे, उनके साथ भी अन्याय होगा पूरे एक तरह से, ओबीसी के अनरिजर्व कैटेगरी के जो क्रिमिनल है उनके साथ और सवर्ण कैटेगरी, इन दोनों के साथ इसमें अन्याय हो जाएगा अगर एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री से और सरकार से भी, इस पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, और आप लोगों पर को भी इस बारे में सरकार से मांग करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी एक्चुअली देखिए इस तरह के नेगोशिएशन से, चर्चाओं से, बातचीत से, डिमांड से ही बनती है। कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन लोग देते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, बात करते हैं, यही तरीका है लोकतंत्र को, इसी तरह से काम होना चाहिए, बल्कि उसमें आंदोलन वगैरह की गुंजाइश बहुत कम होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि दबाव डाल के इस काम को होना चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन के जरिए, आर्ग्यूमेंट के जरिए ये काम होना चाहिए। और